आपका स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान टेक वन में। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। आज कर रहे हैं कबीर जी के द्वारा लिखा गया पद जो है, उसमें पहले पद में कहा गया है, कबीर ये कहते हैं कि परमात्मा एक है। जो लोग संसार को परमात्मा से भिन्न मानते हैं उन्हें कबीर जी ने अज्ञानी बताया है, मूर्ख बताया है। इस सृष्टि में एक ही जल है, एक ही वायु है और एक ही ज्योति का प्रसार है और इस संसार का रचयिता भी एक ही है। जैसे बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार समस्त संसार में एक ही परमात्मा रहते हैं। कबीर माया में लिप्त मनुष्य को चेताते हैं, यानी उन्हें जागृत करते हैं। उनके अनुसार माया के बंधन से अलग रहकर ही निर्भय रहा जा सकता है। शुरू करते हैं सप्रसंग व्याख्या। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे ते नहीं को जो दो जग जिन नाही पहचाना। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। यानी कि जो लोग जगत को दो कह रहे हैं वो मूर्ख हैं, हम तो सारे जगत को एक ही मानते हैं। एक ही पवन यानी एक ही हवा है, एक ही पानी है और सभी ज्योतियां या प्रकाश सब एक ही हैं। एक ही खाग गढ़े सब बांधे, एक ही कोहर साना। एक ही मिट्टी से सब भांडों की यानी बर्तनों की या मिट्टी के बर्तनों की रचना की गई है, कोहरा यानी कुम्हार। और एक ही मिट्टी से भगवान रूपी कुम्हार ने सभी बर्तनों का निर्माण किया है, यानी इस कविता में मनुष्य को भगवान जी के द्वारा रची हुई रचना बताया है जिसमें कुम्हार हैं वो। और जिस प्रकार से कुम्हार एक ही मिट्टी से सब बर्तनों का निर्माण करता है, उसी प्रकार सभी मनुष्यों का निर्माण भी भगवान ने एक ही मिट्टी से किया है। जैसे बाढ़ी काष्ठी काटे अग्न काटे कोई, सब घट अंतरी तुही व्यापक धरे स्वरूप होई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्बाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापई, कही कबीर दीवाना। इस संसार का निर्माण जिसने किया है, जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है किंतु उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर नश्वर है किंतु उसमें जो आत्मा रहती है वह अमर है और अकाट्य है, उसे कोई भी काट नहीं सकता है। और भगवान को वह कहते हैं कि हे परमात्मा, सभी प्राणियों में तू ही रहता है, तूने ही विभिन्न रूप स्वरूप धारण करे हुए हैं। कबीर मनुष्य को संबोधित करके कहता है कि हे मनुष्य, संसार के मायामय रूप को देखकर यह सारा संसार लुब्ध हो गया है, भला तू इस झूठी माया पर क्यों गर्व करता है। प्रभु प्रेम में दीवाने कबीर कहते हैं, जो लोग माया मोह से मुक्त हो जाते हैं वे निर्भय रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं व्याप्ता, यानी कोई भय उन्हें परेशान नहीं कर सकता। अब बात कर लेते हैं हम इसमें पद में आए हुए शब्दार्थों की, जो बहुत थोड़े कठिन आपको लगेंगे। इसमें एक जो शब्द है वो परमात्मा के लिए यूज़ किया गया है। एक का दूसरा अर्थ यहाँ पे एक भी है, गिनती वाला एक। दो यानी दो, तीन ही यानी उनको, दो जग यानी नरक, नाहीन यानी नहीं, समाना व्याप्त, खाक यानी मिट्टी, गढ़े यानी रचे हुए, भांडा यानी बर्तन, कोहरा यानी कुम्हार, साना यानी मिलाया गया है, बाढ़ी यानी बढ़ई, कास्ट यानी लकड़ी, घटी यानी घड़ा, अंतरी यानी भीतर, धरे यानी रखे, स्वरूपई स्वरूप, सोई यानी वही, लुभानाम लुब्ध हो गया, गर्भानाम गर्व करता है, निर्भयी भया निडर हुआ। प्रसंग की बात कर रहे हैं। प्रस्तुत पद एकेश्वरवादी निर्गुणी संत कबीर के द्वारा रचित है।
कबीर जगत ब्रह्म दोनों को पृथक नहीं मानते हैं, वे एक ही परमात्म तत्व की सत्ता को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार इस नानाविध संसार का रचयिता एक परमात्मा है, संसार के समस्त रूपों में उसी एक की सत्ता विद्यमान है। इस भाव को व्यक्त करते हुए वे यह पद कहते हैं, जैसा कि हमने जिसका मीनिंग आपको बताया है। इस पद की विशेषता क्या है? कबीर की वाणी में प्रखर आत्मविश्वास है, वे अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं। हम तो और कहें कबीर दीवाना की निर्भीकता दर्शनीय है। ब्रह्म की एकता और उसी के जगत के सृजन का विचार उन्होंने बहुत सबलता से दिया है। माया मोह और गर्व की व्यर्थता पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। संतों की अखंडता, फक्कड़ता और निर्भीकता का प्रमाण इस पंक्ति में मिलता है। दोई कहें तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक एक में यमक अलंकार है, यानी यहाँ पर एक शब्द के दो अर्थ हैं, एक परमात्मा और दूसरा गिनती वाला एक। जैसे ही बाढ़ई काटे कोई में उदाहरण अलंकार है, बढ़ई लकड़ी और आग का उदाहरण अत्यंत प्रभावी और सटीक बन गया है। खाक और कोहरा में रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है, खाक पंचतत्वों के लिए और कोहरा ईश्वर के लिए आया है। अनुप्रास की छटा दर्शनीय है, उदाहरण जिन नाहिन पहचाना, यहाँ पर न की आवृत्ति हुई है। काष्ठी काटे अग्नि न काटे कोई, यहाँ पर क की आवृत्ति है। नर गर्बाना, यहाँ न की आवृत्ति है। कहे कबीर दीवाना में क की आवृत्ति है। यह पद पूरी तरह से गाने योग्य है, यानी गेय है, और इसमें संगीतात्मकता भी है। संबोधन शैली के कारण इसमें सजीवता आ गई है, ये सब इसकी विशेषताएँ हैं। दूसरा पद शुरू करते हैं। दूसरे पद में इसका प्रसंग सबसे पहले हम बता रहे हैं। प्रस्तुत पद हिंदी के अमर संत कवि कबीरदास द्वारा रचित है। संतों देखत जग पौराना नामक इस पद में कबीर का अखंड फक्कड़ और समाज सुधारक का रूप प्रकट हुआ है। उन्हें धर्म साधना में आपसी भेदभाव, झूठ, पाखंड और दिखावा ये सब पसंद नहीं था। पाखंडी ढोंगियों के सामने वो क्रुद्ध हो जाते थे और ऐसे ढोंगियों पर व्यंग्य करते हुए वे इस पद में कहते हैं। संतों देखत जग बोराना, साच कहो तो मारण धावे, झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना। कबीर जी इस पद में यह कह रहे हैं कि संतों को देखकर सारा जग पागल हो गया है। यदि उनके सामने सच्ची बात कही जाए तो वो मानने के लिए दौड़ने लग जाते हैं, यानी कि नाराज हो जाते हैं, और झूठे जगपतियाना और असत्य बातों पर उनका विश्वास अधिक है। नेमी देखा धर्मी देखा, रातें करें अशनाना। वो आगे कहते हैं कि पाखंडों का वर्णन कहते हैं कि मुझे नियम धर्म दिनचर्या आदि का कठोरता से पालन करने वाले बहुत सारे संत मिले हैं। वे प्रातः स्वयं को शुद्ध करके स्नान आदि भी किया करते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़ाई किताब कुराना। इन पंक्तियों में वो कहते हैं कि उनके भीतर जो परमात्मा छिपे हुए हैं उनको वो नहीं देखते हैं, व्यर्थ के नियमों व्रतों में उलझते रहते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, उनका ज्ञान थोथा और निस्सार है। कबीरदास हिंदू मुसलमान दोनों को आड़े हाथों लेते हुए कहते हैं, मैंने बहुत से पीर और पैगंबर देखे हैं जो अपने शिष्यों को धार्मिक ग्रंथ कुरान आदि पढ़ाते हैं, समझाते हैं, स्वयं भी पढ़ते हैं और तरह तरह के उपाय बताते हैं। वास्तव में ऐसे पाखंडियों ने खुद को नहीं जाना है। कई मुरीद तदबीर बताएं, उनमें उहई जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरे बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना।
टोपी पहिरे माला पहिरे चाप तिलक अनुमाना, सखी सब दही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। हिंदू धर्म कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना, आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न कहू जाना। घर घर मंत्र देता फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछिताना। कहे कबीर सुनो हे संतो ई सब धर्म भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने सहजे सहज समाना। इस पूरे पद में सभी ढोंगियों और पाखंडियों पर वह अपनी बात कहते हैं। कहते हैं कि साधक समाधि की मुद्रा में आसन लगाए हुए बैठा है, और जिसे साधक होने का मन में अहंकार है, जो पीपल के वृक्ष और पत्थर की मूर्तियों की पूजा कर रहा है, तीर्थ और व्रतों का पालन कर रहा है, वह सब छल और भुलावा है, साधना के नाम पर भटकाव है। उनके गले में पड़ी हुई माला टोपी छिलक आदि सबको देखकर उनके पाखंड का अनुमान लगाया जा सकता है। वे लोगों को प्रभु ज्ञान देखे देने के लिए साखी और शब्द गाते हुए फिरते हैं, किंतु वास्तव में उन्हें परम तत्व का ज्ञान नहीं है। हिंदू कहता है मुझे राम प्रिय है, मुसलमान को रहमान। इस प्रकार राम और रहीम के नाम पर दोनों लड़ते हैं, यानी हिंदू और मुसलमान दोनों लड़ते रहते हैं। सत्य यह है कि न ईश्वर को हिंदू ने समझा न मुसलमान ने। ईश्वर के नाम पर लड़ने वाला व्यक्ति मूर्ख और अज्ञानी है। ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को गुरु मंत्र बांट रहे हैं, यह सब अपनी महिमा का बढ़ाने का फेर ही है। ऐसे तथाकथित गुरु अभिमानी हैं, ऐसे पाखंडी गुरु अपने अज्ञानी शिष्यों सहित भवसागर में डूब जाएंगे, यानी दुनिया के सागर में डूब जाएंगे। भवसागर यानी दुनिया का सागर। परम ब्रह्म के बिना उन्हें अंत में पछताना पड़ेगा, यानी जो उस परमात्मा को नहीं पहचाने हैं उन लोगों को पछताना पड़ेगा। कबीर संतों को संबोधित करते हुए कहता है कि ये सब पाखंडी ब्रह्म में भूले हुए हैं। इन्हें मैंने कितना कहा कितना समझाया किंतु ये मानते ही नहीं। सच तो यह है कि वह ईश्वर सहज साधना से मिल सकता है, संत जन सहज स्वाभाविक प्रेम से उसमें लीन हो सकते हैं। इस पद की विशेष बातें बता रहे हैं। कबीर का अखड़ फक्कड़ और निर्भीक स्वभाव इसमें दृष्टिगोचर होता है। वो मूर्ति पूजा का विरोध इसमें स्पष्ट करते हुए नजर आते हैं। वे सारे जग को पागल बताकर उन्हें झकझोरना चाहते हैं। पाखंडों पर इसमें गिन गिन कर चोट की गई है। मूर्ति पूजा, पीपल पूजा, छापा, तिलक, कुमकुम, ये सब कुरान पढ़ना, शिष्य बनाना, सभी आडंबरों पर उन्होंने प्रहार किया है। कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों की खबर इस पद में ली है, इसलिए दोनों ही जातियां उन्हें अपना महापुरुष मानती हैं। यद्यपि कबीर गुरु को परमात्मा से भी ऊंचा मानते हैं, लेकिन वो ढोंगी गुरु पर चोट करना नहीं भूलते हैं।